हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी टू अनदर वीडियो। और आज हम इस वीडियो में ऐसी पांच ट्रिक्स के बारे में बात करने वाले हैं जिससे आप अपना गेम प्ले सुधार सकते हो अगर आप मेरे जैसे घटिया खेलते हो तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करना मत भूलना। और अगर तुमने मेरे चैनल पर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जाओ जाके जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। लेट्स बिगिन। आप अपना गेम प्ले को बहुत ही अच्छी तरह सुधार सकते हो अगर आप अपना एम, अपना रिफ्लेक्स और आपका गेम प्ले सुधार लेते हो तो। लेकिन ऐसी बात भी नहीं है कि आज आप ये वीडियो देखोगे और कल आपका गेम प्ले सुधार जाएगा। पर अगर आप ये गेम हर रोज खेलते हो, हर वक्त खेलते हो, तो आपका एम और आपका रिफ्लेक्स सुधारने का बहुत ही बड़ी चांसेस है। या फिर अगर आप इस गेम को हर वक्त नहीं खेल पाते हो, या फिर आप शायद से ही दिन में एक घंटा इस गेम को खेल पाते हो, तो आज का ये ट्रिक आपका बहुत मदद करने वाली है। तो जो आपको करनी पड़ेगी वो है कि आप ऐसी जगह पर उतरने का कोशिश कीजिए जहां पर ज्यादा से ज्यादा लोग उतरते हैं। इससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा कॉम्बैट फेस करनी पड़ेगी और जितना ज़्यादा आप कॉम्बैट फेस करेंगे एक ही गेम में, उतना ही ज़्यादा आपका एम इम्प्रूव होगा, आपका रिफ्लेक्स भी बढ़ेगा, उतना ही जल्दी आपका गेम प्ले सुधरेगा। तो अगर आपको ऐसी जगह पता नहीं है तो मैं बता देता हूँ। अगर आप इरांगल में खेलते हो तो आप मिलिट्री बेस, कोचिंग की, स्कूल या फिर हॉस्पिटल पर भी उतर सकते हो। यहाँ पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोग मिलेंगे कॉम्बैट के लिए। या फिर अगर आप साम हॉक पे खेल रहे हो तो आप बूट कैंप, पैराडाइज रिसोर्ट या फिर पाइनान पे उतर सकते हो। और अगर आप मीरामार पे खेल रहे हो तो भाई मुझसे मत पूछो क्योंकि मैं मीरामार के बारे में कुछ भी नहीं जानता। जितना ज़्यादा आप गेम खेलोगे और जितना ज़्यादा इंटेंस मोमेंट पे आप गेम खेलोगे, उतना ही ज़्यादा आपका एम और रिफ्लेक्स दोनों ही सुधरेंगे। और मेरा इस गेम प्ले में आप देख सकते हो वीडियो में कि मैं बूट कैंप पे उतरा था और अब तक मेरा 12 किल हो चुके हैं ऑलरेडी। पर अगर आप किसी और जगह उतरते हो तो आपको 3 या 4 ही बंदे मिलेंगे मारने को और चांसेस है कि वो अभी बॉट्स हो। तो अगर आप ये टिप फॉलो करते हो तो आप 3 गुना जल्दी अपना गेम प्ले में माहिर हो सकते हो और साथ ही साथ आप इंटेंसिफाइड मोमेंट पे भी कंट्रोल रख सकते हो गेम प्ले पर। अगर तुम पानी में उतरना अवॉइड करते हो ये सोचकर कि तुमको कोई मार देगा आकर, तो ये टिप बिल्कुल तुम्हारे लिए ही है। जब आप पानी में उतरते हो तो ना तो आप वेपन स्विच कर सकते हो और ना ही कर सकते हो अपने आप को हील। पर जो आप कर सकते हो वो है सिर्फ स्विमिंग। और अगर ऐसे में आपके ऊपर किसी का हमला होता है तो आप ट्राई करते हो कि आपके एनिमी से दूर भागना, लेकिन आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। इंस्टेड अगर आप डीप वाटर पानी के अंदर डाइव लगाते हो तो आपके एनिमी को आप नहीं दिखोगे और इसी तरह आप अपने डिस्टिनेट लोकेशन की तरफ जा सकते हैं। पर जिस बात की आपको ध्यान रखनी होगी वो है आपका लंग्स। अगर फुल रेड हो जाए तो आपका हेल्थ धीरे धीरे घटना शुरू होगा, तो आपको वक्त पर पानी से बाहर निकलना होगा। तो आप देख सकते हैं कि मेरा दोस्त जो कि सरफेस पर स्विमिंग कर रहा है, कोई भी इसे आराम से मार देगा। लेकिन अगर वो अंडर वाटर डाइव लगाता है तो मैं उसे मुश्किल से ही देख पाऊंगा। तो अगर आप किसी को नेट करते हो, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि जिसको आप नेट कर रहे हो वो वहां से भाग जाता है, इसी वजह से आपका नेट बेकार हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब आप किसी को नेट करते हो तो उसके पास 4 से 5 सेकंड का वक्त रहता है वहां से भागने का। पर अगर आप नेट को कुक करते हो, जैसे कि इस वीडियो में मैं कर रहा हूं, कुछ सेकंड तक नेट को होल्ड करके और सिर्फ 2 सेकंड पहले अगर आप नेट को फेंकते हो तो आपके एनिमी को भागने का वक्त ही नहीं मिलेगा। अगर आपके सामने कोई ड्रॉप है और अगर आप इस बात से चिंतित है कि कोई स्नाइपर इस ड्रॉप को दूर से कैंपिंग कर रहा है,
तो आप निश्चिंत होकर इस ड्रॉप के ऊपर स्मोक डाल सकते हैं। और फिर एंजॉय द लूट। और आज की आखिरी टिप, अगर आप दूसरों की तरह वार्म अप राउंड में इधर उधर कूदते हो, मजे करते हो, दूसरे को घूसा मारते हो, तो आप अपने कीमती वक्त जाया कर रहे हो। इंस्टेंट अगर आप मैप खोल के अपने लैंडिंग का प्री प्लानिंग कर लेते हो, तो बिलीव मी ये प्री प्लानिंग आपका गेम प्ले में बहुत बहुत ज़्यादा फायदा लाने वाला है। और यही था आज का 5 टिप्स। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, और तब तक के लिए बाय बाय।